नमस्कार दोस्तों, हिंदू धर्म में हर दिन किसी न किसी देवता को समर्पित होता है। रविवार का दिन सूर्य देव की आराधना के लिए उत्तम माना जाता है। ज्योतिष में सूर्य देव को ग्रहों का राजा कहा जाता है। सूर्य देव की कृपा से व्यक्ति जीवन में खूब तरक्की करता है। सूर्य देव की कृपा से व्यक्ति हमेशा निरोग रहता है। कुंडली में सूर्य मजबूत हो तो जीवन में सुख संपत्ति और यश की प्राप्ति होती है। ज्योतिष शास्त्र में कुछ ऐसे उपायों का वर्णन है जिन्हें वो रविवार के दिन करने से हर तरह की समस्याएं दूर हो जाती हैं। वहीं कई सारे ऐसे भी कार्य हैं जिन्हें रविवार के दिन नहीं करना चाहिए। माना जाता है कि रविवार के दिन ये कार्य करने वाले व्यक्ति को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे रविवार के दिन कौन से कार्य करने से बचना चाहिए। तो आइए जानते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार रविवार के दिन भूल कर भी पश्चिम और वायव्य दिशा में यात्रा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस दिन इस दिशा के लिए दिशाशूल रहता है। लेकिन अगर किसी कारणवश रविवार के दिन इन दिशाओं में यात्रा करना ही पड़े तो घर से दलिया, घी या पान खाकर ही निकलना चाहिए। साथ ही सूर्य देव का या अपने इष्ट देव का ध्यान जरूर करें। इसके अलावा रविवार के दिन तांबे से बनी हुई चीजें अथवा सूर्य देवता से संबंधित चीजों को नहीं बेचना चाहिए। इससे कुंडली में सूर्य की स्थिति कमजोर होती है। इससे व्यक्ति की निर्णय लेने की क्षमता पर प्रभाव पड़ता है, साथ ही सेहत भी खराब हो सकती है। ज्योतिष शास्त्र में रविवार के दिन पहने जाने वाले कपड़ों के रंग पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए। इस दिन नीले, काले, कत्थई काले या नीले रंग से मिलते जुलते कपड़े नहीं पहनने चाहिए। तो वहीं ज्योतिष शास्त्र में रविवार के दिन नमक का सेवन भी मना किया जाता है, खासकर सूर्यास्त के बाद। ऐसी मान्यता है कि रविवार के दिन नमक खाने से स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है और व्यक्ति के हर कार्य में बाधा भी आती है। रविवार के दिन व्यक्ति को बाल भी नहीं कटवाने चाहिए। ऐसी मान्यता है कि रविवार के दिन बाल कटवाने से सूर्य कमजोर होता है। इससे व्यक्ति का मनोबल कमजोर होता है और पिता व कार्य क्षेत्र में अधिकारियों के साथ परेशानी रहती है। रविवार के दिन मांस, मदिरा और शनि देवता से संबंधित पदार्थों का सेवन भी नहीं करना चाहिए। इससे कुंडली में सूर्य और शनि दोनों की स्थिति बिगड़ती है। दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी जानकारी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कुंडली टीवी डेस्क से प्रिया शर्मा की रिपोर्ट। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।